बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। फ्रॉम द लास्ट क्लास वी कंटिन्यू आवर दिस लेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि कंडीशनल फ्लो क्या होता है और उसका हमने फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि अ नंबर इज़ आइदर इवन और ऑड। नाइन्थ क्लास एज यू नो दैट कि आपके पास कंप्यूटर की न्यू बुक है, ठीक है। उसका फर्स्ट चैप्टर, द चैप्टर नेम इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हम पेज नंबर 11 पे कंडीशनल फ्लो की सेकंड एग्जांपल वो हम डिस्कस करेंगे। द सेकंड एग्जांपल इज टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन आउट ऑफ द थ्री गिवन अनइक्वल नंबर। अब हम पहले इसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और देन हम इसकी लॉजिक को समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें मालूम क्या करना है। टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट वन, हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कितने नंबर में से, फ्रॉम थ्री गिवन नंबर। यानी कि हमें थ्री नंबर्स गिवन होंगे और उनमें से हमने मालूम क्या करना होगा, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होगा। इसमें जो हम लॉजिक यूज़ करेंगे, फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इनपुट होगा उसमें क्या होना चाहिए। वो इनपुट हमें थ्री नंबर्स होने चाहिए। हम सपोज कर लेते हैं द नंबर विल बी ए बी एंड सी, कि हमारे पास तीन नंबर होंगे, दैट विल बी ए बी एंड सी। अब इन नंबर्स में से हमने क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट वन फाइंड आउट करना है। इसको हम इस तरह ले लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि पहले हम ए को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम ए को कंपेयर करेंगे कि ए विल बी ग्रेटर देन, ए विल बी ग्रेटर देन बी। तो इसकी कंडीशन को हम कैसे राइट करेंगे, ए विल बी ग्रेटर देन बी, ठीक है। अगर हम ए को सपोज करते हैं कि वो बी से ग्रेटर होगा और अगर यही तीनों नंबर में से ये नंबर लार्जेस्ट नंबर है, तो अगर बी से भी ग्रेटर है तो ए को किससे भी ग्रेटर होना चाहिए, सी से भी ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। पहले हमने सपोज कर लिया थ्री नंबर्स ए बी एंड सी। उसके बाद हमने सपोज क्या किया, हम उसके बाद हमने सपोज ये किया कि ए विल बी ग्रेटर नंबर। तो अगर ए ग्रेटर है तो उसको बी से भी ग्रेटर होना चाहिए और सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। एक हमारे पास कंडीशन ये बन गई। सेकंड कंडीशन में हम सपोज कर लेते हैं कि बी विल बी ग्रेटर। अगर बी ग्रेटर होगा तो इसको ए से भी ग्रेटर होना चाहिए और इस नंबर को सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा कहलाएगा, ए। अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा कहलाएगा, बी। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो कौन सा कहलाएगा हमारे पास। ऑब्वियसली जब हमारे पास ए भी लार्जेस्ट नहीं है, बी भी लार्जेस्ट नहीं है, तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। इसी लॉजिक को हम यूज़ करते हुए हम अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ साइड में राइट कर लेते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट करना है लार्जर वन आउट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स वी हैव टू गिवन, थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स में से हमने लार्जेस्ट वन फाइंड आउट करना है, ये हमारा टास्क है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम अपना ड्रॉ फ्लो चार्ट करेंगे तो स्टार्ट टर्मिनल बॉक्स से करेंगे और टर्मिनल बॉक्स में कौन सा हम रखेंगे, टी। तो ये हमारे पास है टर्मिनल हमारा, जहाँ से हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास सेकंड जो आपके पास आएगा, हम एरो यूज़ करेंगे डाउनवर्ड के, हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल डाउनवर्ड मूव हो रहा है। अब हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फ्लो चार्ट जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे थ्री स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा इनपुट होता है, उसके बाद हमारे पास प्रोसेस होता है, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है, आउटपुट। अब समटाइम प्रोसेस में हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं और समटाइम हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं। तो क्योंकि अब ये डिसीजन हम लोग कर रहे हैं, डिसीजन फ्लो हम लोग कर रहे हैं, तो कंडीशनल है, तो कंडीशनल में हमेशा हम डिसीजन बॉक्स यूज़ करते हैं।
तो इसमें हमें फाइंड आउट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, इनपुट। अब मुझे आप बताएं कि इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा इनपुट क्या होना चाहिए। मेरा इनपुट होना चाहिए 3 नंबर्स। तो इनपुट के लिए हम कौन सा बॉक्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोगों ने स्केल से इसको यूज़ करके ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, 3 नंबर्स, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी इनपुट 3 नंबर्स। को हमने कौन कौन से नंबर सपोज किए थे, ए बी एंड सी, ये 3 नंबर हमने सपोज कर लिए। अब हम प्रोसेस में क्या करेंगे, हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने कंडीशन में क्या सोचा था कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो अब यहाँ पर कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल बॉक्स, ठीक है। ये कंडीशनल बॉक्स हमने ड्रॉ कर लिया और इसमें हमने कंडीशन क्या राइट करनी है, इसमें हमने कंडीशन ये राइट करनी है कि ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब इसकी 2 कंडीशन होंगी, या तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन फॉल्स होगी। हमने लास्ट लेक्चर में भी यही पढ़ा था कि हमारे पास जब भी डिसीजन बॉक्स होगा तो उसमें 2 कंडीशन अप्लाई होंगी, ट्रू और फॉल्स की कंडीशन अप्लाई होंगी। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर ए बी से ग्रेटर होगा, अगर हम अब इस वक्त 2 की कंडीशन करते हैं, तो अगर ए बी से ग्रेटर होगा तो हमारे पास क्या एक और कंडीशन आएगी, एक और कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, कि अगर ए बी से ग्रेटर होगा तो ए को किससे ग्रेटर होना चाहिए, सी से भी ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ये किस सेंस में होगा, जब ये ट्रू हो जाएगा। अगर ए बी से ग्रेटर होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो सेकंड कंडीशन पर आ जाएंगे कि ए को किससे ग्रेटर होना चाहिए, सी से। अगर ए सी से ग्रेटर होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये हम आउटपुट के लिए दोबारा इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आउटपुट। हमारे पास यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये तो हमने उस वक्त कंडीशन कर दी जब हमारे पास ए लार्जेस्ट होगा, तो हमारे पास वो बी से भी लार्जर होगा, सी से भी, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए। ये तो हम 2 की कंडीशन पर चले गए। अब हम फॉल्स से अगर कंडीशन पर आते हैं कि अगर ए बी से ग्रेटर नहीं होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास होगा कि हम यहाँ पर एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है तो ये ए ग्रेटर नहीं होगा। फिर हम किसको कंसिडर करेंगे, जब ए ग्रेटर होगा तो इसको ए को बी से भी ग्रेटर होना चाहिए और ए को सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, अब हम बी को, ए बी और सी था। अब अगर ये तो एक कंडीशन बन गई कि जब ए ट्रू हो गया, अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि ए क्या हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, यानी कि ए स्मॉलर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो प्रोग्राम इस वाले हिस्से को इग्नोर करके वो नीचे आ जाएगा, फॉल्स पे आ जाएगा। अब उसको फॉल्स में हम क्या कंडीशन देंगे, हम देंगे बी ग्रेटर देन ए, ठीक हो गया, ठीक है। बी तो ए से यहाँ पर ग्रेटर था, स्मॉलेस्ट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो फॉल्स होगी। अब बी को किससे ग्रेटर होना चाहिए, सी से ग्रेटर होना चाहिए। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कुछ सूरत होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, बी ग्रेटर हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। इस सूरत में हमारे पास ए ग्रेटर हो गया, अगर ए बी से ग्रेटर नहीं होगा तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो जाएगा, बी। और बी को किससे ग्रेटर होना चाहिए, सी से, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, बी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, यहाँ पर आ गया, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास ए भी ग्रेटर नहीं है, बी भी ग्रेटर नहीं है, तो फिर कौन सा नंबर ग्रेटर होगा हमारे पास। और फिर हम आउटपुट लिख देंगे कि हमारा क्या नंबर ग्रेटर हो जाएगा, सी। और लास्ट में हमारा यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अपने लॉजिक दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि ए को बी से भी ग्रेटर होना चाहिए और ए को सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। अगर हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि फिर ए ग्रेटर होगा। तो जब अगर ए ग्रेटर होगा तो फिर ए को किससे ग्रेटर होना चाहिए, सी से। ये कंडीशन भी ट्रू, यानी कि बी भी बड़ा हो गया ए से और बी भी बड़ा हो गया सी से, तो फिर लार्जेस्ट नंबर कौन सा बन गया, बी, जब ए भी नहीं है। और अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई,
तो हमारे पास जब ए भी ग्रेटर नहीं है, बी भी ग्रेटर नहीं है, तो फिर ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा? सी विल बी ग्रेटर नंबर, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं नंबर्स के लिए। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास जो नंबर थे दैट विल बी 2, 3 एंड 4, मीन्स ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू 4 है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, हम पुटिंग कर लेते हैं वैल्यूज को 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाते हैं, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 3। अब आप मुझे बताएं 2 इज ग्रेटर देन 3, फॉल्स, यानी कि वो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा और प्रोग्राम कहाँ कंटिन्यू हो जाएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन सी, 3 ग्रेटर देन फॉल्स। अब मुझे बताएं कंडीशन ट्रू के फॉल्स, फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रोग्राम कहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पर, और लार्जेस्ट नंबर क्या प्रिंट हो जाएगा, सी। अब आप मुझे बताएं लार्जेस्ट नंबर क्या है, सी, सी प्रिंट हो गया और प्रोग्राम क्या आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इसे कैसे करेंगे, यहाँ से इसको फ्लो ऑफ कंट्रोल भी यहाँ पर मूव करवाएंगे, ये नीचे डाउनवर्ड मूव होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं इसका साइज, ताकि हम नीचे इसको इसको और भी मज़ीद सही तरीके से ड्रॉ कर सकें। इसको हम अगेन आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा। सबसे पहले हमने किसको कंसीडर कर लिया, ए को, एक डायमंड बॉक्स बना देंगे, डिसीजन बॉक्स बना देंगे। ए को पहले किससे ग्रेटर दिया, बी से, फिर ए को किससे ग्रेटर किया हमने, सी से, और लार्जेस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा फिर हमारे पास, आउटपुट हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी, ए हमारे पास लार्जेस्ट। ये कौन सी कंडीशन बनी हमारे पास, ट्रू, और ये भी ट्रू। उसके बाद हम डाउनवर्ड आ जाएंगे, डाउनवर्ड में हम क्या करेंगे, जब ए को बी से कंपेयर कर लिया हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब फॉल्स की कंडीशन में क्या बनेगी, हम फॉल्स की कंडीशन में बी को ले लेंगे कि बी की कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन सी होगा। अब इसके भी दो ऑप्शंस आ जाएंगे, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट हमारे पास आ जाएगा बी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होने पर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंट आउटपुट क्या आ जाएगा, हमारे पास सी आ जाएगा और ये प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब एक हमारे पास, मैंने आपको कहा था कि एवरी डिसीजन बॉक्स है 2 आपके पास होते हैं। यहाँ से देखो आपके पास इन तो एक हो रही है लेकिन आउट इसमें से 2 होंगी ना। अब यहाँ पर आपके पास इनपुट ए आ गया, अब इसकी इस वाले जो डिसीजन बॉक्स है इसकी फॉल्स की कंडीशन क्या होगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ए तो बी से ग्रेटर हो गया, बट ए अगर सी से ग्रेटर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट होगा, तो आपके पास फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटपुट सी के पास चला जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि अगर ए तो बी से बड़ा हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया, बट ए होगा वो सी से स्मॉलेस्ट होगा, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, सी, तो वो फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ पर मूव हो जाएगा, सी की तरफ मूव हो जाएगा, यहाँ पर मूव हो जाएगा, ठीक हो गया। अब जो ये हमारे पास डिस्प्ले जहाँ पर हो गया, ये डिस्प्ले बॉक्स हमेशा आकर दोबारा कहाँ पर आ जाते हैं, ये स्टॉप की तरफ आ जाते हैं, ये आपके पास स्टॉप पे मूव हो गया। गॉट इट गर्ल्स, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर 11 पर आपके इसके फ्लो चार्ट ड्रा हुए हैं। मैंने आप लोगों को इस वक्त सेकंड मेथड यूज़ करवाया है, इंशाल्लाह हम कल की क्लास में इसका फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे, दैट इज़ मच बेटर देन फर्स्ट वन, ठीक है। ये आपके पास सेकंड मेथड है, सेकंड फ्लो चार्ट है पेज नंबर 11 का, ठीक है। यहाँ पर इस प्रॉब्लम के 2 फ्लो चार्ट गिवन है, मैंने आप लोगों को सेकंड मेथड करवा दिया है, इंशाल्लाह इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फर्स्ट वन आप लोगों के लिए मच बेटर ईजी होगा, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आप लोगों ने इसकी प्रॉपर डायग्राम के साथ, स्केल के साथ ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट फ्लो चार्ट। टिल दैट फी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।